भोपाल से हैं गीता तिवारी जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम भाई नमस्ते। ये जय हिंद, स्वागत है, मैं 2 2.5 महीने से गोंदिया खा रही हूँ, तो है। उससे तो आराम है। जो ज्यादा चिलकर विलकर थी वो तो आराम है। और ये क्या, ये गोंद फिरोजा या सरवल भूसी, ये लाजवंती, ये चांद खा सकते हैं दोनों टाइम भाई। ठीक जी हेलो। जी, और तो कोई सवाल नहीं है आपका? अरे है सवाल है, जैसे टमाटर मटर खा सकते हो सब्जी में? सब्जी में टमाटर खा सकते क्या टमाटर? टमाटर 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 हाँ, टमाटर खा जी। सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पैरों में बहुत सूजन आ जाती है, ठीक है। पैरों में मेरे सूजन बहुत आ जाती है। ठीक है। हाँ जी, टमाटर तो खा सकते हैं, और वो सूजन जिनके पैरों में आ जाती है तो उनके लिए अलग से एक नुस्खा है। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें। तो ये सूजन आ जाती है पैरों पर, पूरे जिस्म पर, चेहरे पर, तो इसकी वजह हमारी किडनी होती है। किडनी का अच्छी हो जाती है, साफ हो जाती है, फंक्शन अच्छा हो जाता है, तो हमारी सूजन जा सकती है। दर्द है तो गोंद से आप ले ही रहे हैं, तो ये अभी और कुछ दिन लेंगे तो पूरा फायदा मुमकिन। अभी आपको फायदा शुरू हो गया है। जिस नुस्खे से भी मेरे फायदा हो, आपको उसका लोगों तक पहुंचा दे, ताकि दूसरे लोग भी रोग मुक्त हो सके। हाँ, जी चिलगोजा इसबगुल की भूसी एक साथ जी। इसबगुल की भूसी 1 या 2 चम्मच दूध या पानी में मिलाएं, और चिलगोजा गोंद सिर्फ 1 चुटकी खा सकते हैं पूरी 24 घंटे में। ये बहुत तेज होता है, तो 1 चुटकी से ज्यादा कभी ना खाएं, आपको फायदा मुमकिन।